फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एविएशन रिव्यू। मैं हूं आपके दोस्त परेश। सो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जो सीएसी पोजीशन है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। एंड ये एक बेसिकली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक व्यूअर्स ने जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था एक AISL की एक जॉब वैकेंसी के बारे में, वहां पे बताया था कि सर सीएससी जो पोजीशन है इस पोजीशन के बारे में आप थोड़ा से डिटेल्स में इंफॉर्मेशन बताइए। तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एयरपोर्ट सीएससी पोजीशन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए जो भी डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स A to Z इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक सीएससी की एयरपोर्ट में क्या क्या जॉब रोल होते हैं, क्या काम करते हैं ये लोग एक्चुअली। एंड उसके बाद मैं बताऊंगा सीएससी बनने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्या क्या रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर एयरपोर्ट में सीएससी बनना चाहते हो तो यहाँ पे आपके कैसे अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी यहाँ पे अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पे मैं डिटेल्स में बात करूंगा। इसके साथ साथ आप लोगों की सैलरी कितना हो सकता है सीएससी पोजिशन में अगर आप लोग एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हो। एंड उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीएससी पोजीशन के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं कंपनी में यहाँ पे कौन से राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होता है, वो डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो की एंड तक देखते रहिए ताकि आप लोगों को सारे इंफॉर्मेशन सही से पता चले। एंड आप लोग अगर एयरपोर्ट की सीएससी पोजीशन के लिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोजीशन में अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर पाओ। सो आप अगर मेरे चैनल पे हो एंड आप लोग मेरे चैनल की वीडियो को कंटिन्यू चेक कर रहे हो एंड यहाँ पे जो एविएशन की जॉब के अपडेट मिल रहे हैं, इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रही है या जो भी बेसिक एविएशन की नॉलेज मिल रहा है ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग 1 लाख की जो सब्सक्राइब की फैमिली है वो कम्प्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग भी इस फैमिली की मेंबर होने के लिए मुझे हेल्प कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, डायरेक्टली हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट है हम लोगों की कि एज ए सीएससी आप लोगों की एयरपोर्ट में क्या क्या जॉब रोल होता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो सीएससी पोजीशन होता है ये पैसेंजर्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट होता है। यहाँ पे पैसेंजर सर्विस प्रोवाइड करना ही इन लोगों की मेन टारगेट होते हैं, मेन जॉब रोल होता है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा एयरपोर्ट में जो पैसेंजर की चेक इन होता है वो चेक इन की काम एक्चुअली सीएससी करती है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एयरलाइन की टिकटिंग या रिजर्वेशन की जो भी फंक्शंस होते हैं ये भी एक सीएससी पोजीशन की जॉब रोल होता है। एंड इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट के में जो बोर्डिंग होता है या डिबोर्डिंग होता है ये सारे जॉब रोल भी एक सीएससी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की होता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो पैसेंजर्स की जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व करना ही एक सीएससी की जॉब रोल होता है। एंड अगर आप लोग सीएससी में आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज में ध्यान रखना है। बेसिकली एयरपोर्ट की जो भी जॉब रोल होते हैं ग्राउंड स्टाफ की यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट में जॉब करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। इवन आपको कुछ कंपनी इंडिया में जो भी कंपनी है जैसे कि कोई भी एयरलाइंस की बात करते हैं जैसे कि इंडिगो हो गया, स्पाइसजेट हो गया, अकाशा एयर हो गया, विस्तरा हो गया, ये सारे कंपनीज बेसिकली आप लोगों को वीकली 1 वीक अप प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप लोग कोई भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी जो बेसिकली इंटरनेशनल एयरलाइंस को ग्राउंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहां पे अगर आप लोग ग्राउंड स्टाफ बनते हो तो आप लोग वहां पे वीकली 2 वीक ऑफ अवेल कर सकते हो। एंड जो भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है वहाँ पे बेसिकली इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से वहाँ पे जो भी वीक ऑफ्स होते हैं स्टाफ की वो सारे चीज अवेल किया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं आप लोग की जॉब फंक्शंस के अंदर। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि सीएससी पोजीशन में आप अगर जाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए या कैसे आप लोग खुद को प्रिपेयर करोगे सीएससी पोजीशन में अप्लाई करने के लिए। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में जितने सारे कंपनीज है एयरलाइंस बोलो या ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी बोलो तो यहाँ पे आप लोगों के पास आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। यस, अगर आप लोग ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास अगर आपके 10+2 कंप्लीटेड है एंड आप लोग परसुइंग ग्रेजुएशन कर रहे हो तब आप लोग डेफिनेटली जो जूनियर सीएससी पोजीशन है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोजीशन है उसके लिए आप लोग एप्लीकेबल होंगे, डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कंपनी में डेफिनेटली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा नेक्स्ट में। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर एविएशन के अंदर डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो एविएशन की सीएससी पोजीशन के लिए। एंड उसके साथ साथ आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए,
क्योंकि एयरपोर्ट में अगर आप लोगों को चेकिंग काउंटर की जॉब में दिया जाए या बीएमए एरिया पे बैगेज मेकअप एरिया में जॉब दिया जाए तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटराइज काम होता है, तो इसके लिए आपके पास बेसिक कंप्यूटर की एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। एंड आप लोगों को पता ही है एयरपोर्ट की अगर कोई भी पोजीशन में जा रहे हो स्पेशली कस्टमर सर्विस पोजीशन में, तो यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मली कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए आपकी इंग्लिश एंड हिंदी की। सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एंड उसके साथ साथ एज की यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि 18 to 28 ईयर्स की आपकी एज की क्राइटेरियाज होता है। और अगर आप लोग AISL या आप लोग एयर इंडिया इस टाइप की कंपनी में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ या जो रिजर्वेशन मिल जाता है SC ST एंड OBC कैंडिडेट के लिए, तो वहाँ पे जो भी एयरलाइंस ये फीचर्स अलाउ करते हैं उन लोगों की जो जॉब जॉब की जो नोटिफिकेशन निकलते हैं, उस नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग को डिटेल्स में मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखोगे प्रेजेंट पर्सनैलिटी, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि कस्टमर सर्विस पोजिशन के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रेजेंट पर्सनैलिटी आपके पास होना चाहिए, एंड आपको स्मार्ट लुकिंग भी होना चाहिए, एंड नो विजिबल टैटूज एंड बॉडी आर्ट विल बी अलाउड। आपके बॉडी में कहीं पे भी अगर विजिबल जो टैटूज है या बॉडी आर्ट है तो एप्लीकेबल नहीं होंगे। विजिबल इन द सेंस ऑफ आप जो भी कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी की जो यूनिफॉर्म है उसके हिसाब से आप लोगों को सोचना है। तो अगर फुल स्लीव शर्ट है तो फुल स्लीव शर्ट में अगर विजिबल टैटूज विजिबल नहीं हो रहा है तो कोई इश्यूज नहीं है, आप डेफिनेटली उस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस टैटूज विजिबल नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्म पहनने की बात। सो ये था बेसिकली रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया। ये सारे रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप CSE पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कोई भी एयरलाइंस या कोई भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज में। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो एंड कौन सी कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सी कंपनी अवेलेबल है। तो यहाँ पे CSE जो पोजीशन है बेसिकली अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम दिया जाता है। कोई कंपनी CSH बोला जाता है, कोई कंपनी CSA बोलते हैं, कोई कंपनी CSO बोलते हैं, कोई कंपनी CSE बोलते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं कंपनी के ऊपर। आप लोग अगर डायरेक्ट कोई एयरलाइंस में अप्लाई कर रहे हो जैसे कि एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, आकाश एयर, विस्तरा, एयर एशिया, ऐसे कोई भी कंपनी में आप लोग जा रहे हो तो यहाँ पे CSO या CSA बोला जाता है, तो इस वैकेंसी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोग कोई भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में जॉब कर रहे हो जैसे कि BWFS हो गया, एयर इंडिया साइट्स हो गया, AISL हो गया, बंद्रा इंटरनेशनल हो गया, ये छोड़ के भी और भी बहुत सारे कंपनीज है, सेलेबी एविएशन हो गया, ये छोड़ के भी कंबाडा हो गया, ये सारे बेसिकली ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। ये सारे ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में भी आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे आप लोग जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में जाके आप लोग कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ कनेक्ट होके आपकी करियर एविएशन की करियर इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ भी बना सकते हो। सो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई फॉर CSE पोजीशन, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी एयरलाइंस में अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो यहाँ पे फर्स्ट तरीका जो है वो है वॉक इन इंटरव्यू। आप लोग एयरलाइंस की करियर पेज को फॉलो करते रहिए, वहां पे वॉक इन इंटरव्यू के अपडेट होता है उन लोगों की वेबसाइट में ही, एंड वहां पे अगर कोई भी अपडेट ऐसा मिलता है तो आप लोग डायरेक्टली जाके वॉक इन इंटरव्यू को आप लोग अटेंड कर सकते हो। और अगर आप लोग वॉक इन इंटरव्यू नहीं दे रहे जो कंपनी, क्योंकि बहुत सारे कंपनी ज्यादातर कंपनी वॉक इन इंटरव्यूज नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उन लोगों की वेबसाइट करियर पेज को आप लोगों को फॉलो करना है, जब भी कोई भी वैकेंसी आए आप लोग ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है मैनुअल एप्लीकेशन। तो मैनुअल एप्लीकेशन कैसे दिया जाता है, हर एक एयरपोर्ट में हर एक एयरलाइंस बोलो या हर एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज के अपना ऑफिस होते हैं, वहां पे आप लोग मैनुअली जाइए एंड वहां पे आप लोग आपके रिज्यूमे मैनुअली वहां पे सबमिट कीजिए। एंड सबमिट करने के बाद वहां पे आप लोग की जो एप्लीकेशन अगर शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली ये तीन वे है कोई भी अभी कोई भी एयरलाइंस या कोई भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में अप्लाई करने के लिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कितना सैलरी आप लोगों को मिल सकता है कोई भी अगर CSA पोजीशन में अगर आप लोग जाते हो एज ए फ्रेशर। तो यहाँ पे कोई भी ग्राउंड हैंडलिंग या कोई भी एयरलाइंस में आप लोग अगर एज ए CSA कस्टमर सर्विस पोजीशन में जाते हो तो आपकी सैलरी मिनिमम 15,000 आप लोगों को मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग हाइस्ट बोलते हो कि कोई कोई जैसे कि डायरेक्ट एयरलाइंस में जाते हो तो आप लोगों की मैक्सिमम 22,000 तक आप लोगों को सैलरी मिल सकता है।
एंड नेक्स्ट यहाँ पे इंटरव्यू राउंड्स के बारे में अगर आप लोगों को बताता हूँ कि एज ए फ्रेशर आप लोग अगर सीएससी पोजीशन के लिए आप लोग इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या क्या इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड आपके पीआई राउंड्स होता है जो पर्सनल इंट्रोडक्शन राउंड्स होते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जीडी राउंड होते हैं, ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो पीआई राउंड में पर्सनल जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह या आपकी पर्सनल रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। एंड उसके बाद जीडी राउंड में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें आप लोगों को एटलीस्ट 30 to 50 seconds तक आप लोगों को बात करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे थर्ड राउंड में आप लोगों की एचआर राउंड्स होते हैं जिसमें आप लोगों की अगेन जो पीआई राउंड में होता है वही पर्सनल सारे क्वेश्चंस या वर्क रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है। एंड उसके बाद लास्ट राउंड में आप लोगों की मेडिकल राउंड्स होते हैं जहाँ पे आप लोगों की मेडिकल टेस्ट होता है। सो यहाँ पे फोर्थ राउंड कंप्लीट करने के बाद आपकी सिलेक्शन फाइनलाइज हो जाता है एंड आपके जो जॉब है वो फाइनली कंप्लीटेड हो जाता है इंटरव्यू प्रोसेस। सो आई होप कि फ्रेंड्स ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्प करेंगे एयरपोर्ट में सीएससी पोजीशन में अप्लाई करने के लिए एंड सीएससी पोजीशन के बारे में और भी अच्छे से जानने के लिए। सो आपके मन पे अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी पोजीशन को लेके कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। ये छोड़ के भी आप लोग मेरे फेसबुक पेज में जाके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। फेसबुक की पेज की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू जॉब अपडेट्स।